आ रहा हूँ भैया आ रहा इधर आ जाओ थोड़ी कुछ भी कमरे में इधर और चोट माँ
जैसे उसने बताया वैसे लिख दिया उन्होंने, वहाँ बताया लेकिन हमने यहाँ देखे नहीं छोटे, लेकिन हमारे यहाँ छोटे कौन है जिसने लिखा है? काफी क्या सुना है आपका वाले कौन है आपका रोस्टर बना हुआ है? कितने घंटे की रहती है आपको? कितने बजे आते हैं आप? दोपहर में होती है 2 बजे से 8 बजे तक होती है और नाइट होती तो 8 से 8 बजे तक। अभी 2 से है आपकी ड्यूटी, 2 से 8 तक है। 8 के बाद कौन है? आपको मिलने के बाद तो आपको तो यहाँ डॉक्टर आपके सहयोग में कितना मंत्री जी भी आए, जलस्तर निरीक्षण किया, क्या कहेंगे? सुनिश्चित व्यवस्थाएं चल रही हैं, पहले से इन व्यवस्थाओं में बहुत सुधार है और जन आकांक्षाओं के अनुसार हमने एक विशेष मंत्री जी ये गाड़ी रखा है कि यहाँ हृदय रोग से संबंधित जो OPD है वो नहीं मिल पाती है और हृदय रोग एक मतलब सामान्य सी बीमारी होता चला जा रहा है। अगर मध्यम और गरीब वर्ग के व्यक्ति को हृदय रोग से संबंधित कोई समस्या होती है तो उसको प्राइवेट हॉस्पिटलों की ओर भागना। क्या आश्वासन मिला आपको? उन्होंने कहा है जल्दी ही की व्यवस्था को हम सुनिश्चित करेंगे और इससे संबंधित हमने स्थानीय लोगों से जो मिला लेटर था वो भी हमने उनको दिया है लिखित में। धन्यवाद। सर निरीक्षण किया क्या पाया? जिला अस्पताल में जो भी यहाँ बीमार लोग आते हैं उनको अच्छा यहाँ चिकित्सीय लाभ मिले ऐसा सरकार की मंशा है। तो मैंने पूछताछ की यहाँ सबसे, तो लगभग जितने भी मरीजों से मेरी बातचीत हुई सब संतुष्ट थे और दवा सबको पर्याप्त तो मिल रही है, समय पर मिल रही है, एडमिशन भी यहाँ समय पर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 1-on-1 सबसे बात की है। सरकार की मंशा है कि कोई जिला अस्पताल में आए तो उसको ठीक से उसकी देख रेख हो और उसको जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं उसका पूरा लाभ उसको मिले। आज मैं सबको मिला, मैंने शुभकामनाएं दी कि जल्दी स्वस्थ हों और अपने घर जाएं। कल माननीय मुख्यमंत्री मथुरा आ रहे हैं, क्या उम्मीद है? सब ब्रज स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार है और पूरे प्रदेश में हमारी यात्रा शुरू हो रही है। एक यात्रा का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी कल करेंगे। कांग्रेस के एक विधायक ने विधानसभा में सर्वनाम अभियान दिया है, क्या कहेंगे उसको लेकर? तो कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी जी और बहन प्रियंका जी, उनको उस पर जवाब देना चाहिए।